प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती है और अभी मेरा सारा आर्मर सब कुछ जा चुका है, तो आज हम लोगों को कैसे भी सुपर ओपी बनना है जो संडे को वॉर होने वाली है उसके लिए। तो चलो फटाफट चलते हैं, जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर देना, 100K लाइक का गोल है, फटाफट से कंप्लीट कर दो। जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस, जल्दी से 5 मिलियन की तरफ को बढ़ते हैं, जल्दी सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो और चलो चलते हैं लिलीविल वर्ल्ड के अंदर। गाइस हम लोग आ चुके हैं वापस से लिलीविल वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि क्यों कैसी लगी एक्सीलेटर साहब, दबके रहना पड़ेगा मेरे सामने। ये जैक को तो जिस दिन बताऊंगा मैं भाई, ये बंदे लीडर बनते ही सबसे पहला ये उल्टा काम कर रहा है, समझ रहे हो भाई। अगर तुम लोगों ने वो स्ट्रीम नहीं देखी ना जहां पर हम लोगों ने देखा था कैसे हमारे घरों से चीजें सामान चोरी हो रहा था, और वो कौन चोरी कर रहा था भाई, एक बंदा हीरो ब्राइन की स्किन पहन के घूम रहा है, तुम समझ रहे हो, और इनविजिबिलिटी के पोशन मार रहा है, वाटर बकेट ट्रिक कर रहा है और यहाँ पे घूम रहा है। मैंने बोला ही था कि लिलीविल में कभी भी कोई एंटिटी एंटर नहीं कर सकती है, मैंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। तो भाई वो बंदा कैसे आया, हमें बाद में जाके पता चला कि भाई वो एक्चुअली एक हैकर था। अगर तुम्हें नहीं पता तो भाई लिलीविल में पहले हैकर आए हुए थे और एक हैकर को मैंने छोड़ दिया था यार, ये सोच कर कि वो एक वर्कर है, तो भाई उसका काम सिर्फ टूटी फूटी चीज़ों को सही करना और सारी चीज़ें करना था, और वो लाइक पीपी में ही बहुत वीक था। तो मैंने सोचा यार छोड़ो कोई बात नहीं यार, दिक्कत क्या ही है, जाने दो यार, जीने दो भाई बंदे को अपनी ज़िंदगी। और भाई वही बंदे ने लास्ट में हमारे पूरे लिलीविल में से सामान चोरी चपाटी कर कुर के भाई उस बंदे ने हम लोगों को एक जेल फंसा दिया, जिसमें हम कैसे ना कैसे करके निकले भाई न्यू मेंबर की हेल्प से। वो न्यू मेंबर कौन है वो तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा, बट ये चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुई भाई, जो भी बोलो। हम लोग मैं तो पागल हो गया था भाई यही सोच के कि क्या चल रहा है सब कुछ यहाँ पे, पर हम लोग कैसे ना कैसे करके निकल तो गए। बट अब दिक्कत ये है कि अगले वीक जो संडे आने वाला है ना, ये संडे को 6 बजे हम लोग करने वाले हैं उनसे फुल आउट वॉर। भाई मैं तो उनका पूरा बेस ही तबाह कर दूंगा, उनके पूरे बेस में इतने TNT लगाऊंगा सोचा भी नहीं होगा इन लोगों ने। बट अब दिक्कत वाली बात यह है कि हम लोग अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं है, हमारा सारा आर्मर सब कुछ हम लोगों ने यार कैक्टस में डाल दिया था, अगर तुम लोगों को याद होगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि इलीगल और वो सारी चीज़ें थी। तो अभी हम लोगों कैसे भी अपना ओपी आर्मर स्वॉर्ड पीवीपी गॉड और हमारा ट्राइडेंट वापस लेके आना पड़ेगा, अगर हम लोगों को लाइक सीधी सी बात है यार 4-5 जनों से पीवीपी करना है, थोड़ा सा वेपन का एडवांटेज एटलीस्ट हमारे पास होना चाहिए राइट, वरना फिर पीछे से आके कोई मार जाएगा तो बाद में रोने वाली बात होगी। अब दिक्कत वाली बात क्या है, रुको मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। जाने को तो हम लोग देखो बड़ी इजीली, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, जाने को तो हम लोग ना बहुत ही ज़्यादा इजीली लाइक क्या कहते हैं अपने बेस में जाके एन्चेंटमेंट स्टार्ट कर सकते थे, पर दिक्कत क्या हुई जो कि लास्ट स्ट्रीम में भी हुई थी, हमारे पास भाई लैपिस ही नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है। एक तो होता थोड़ा सा लैपिस हो भाई, थोड़ा भी लैपिस नहीं हम लोगों के पास, तो दिक्कत वहीं से हो रही है कि भाई अब कहाँ से लेके आए लैपिस, सारा का सारा ये सब चीज़ें कहाँ से लेके आए। बट अभी हम लोगों को कैसे भी लैपिस लेके आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अभी तो हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट मेरे पास अभी तो है, मेरे पास अभी तो टॉर्च पड़ी हुई थी, चलो कोई बात नहीं, हम लोग एक काम करते हैं लैपिस लेके आते हैं। और सच्ची बताऊं ये जगह परफेक्ट आई गैस भाई, मेरी केव जो है ना वो एकदम बढ़िया जगह पे बनी हुई है। को ये ले लेते हैं अभी के लिए, इसको ऑफ एंड में रख। अरे चलना यार भाई, जिसको देखो वो हाथ मारने आ जाता है भाई, थोड़ा थोड़ा वैसे ही दिन खराब चलने में ये और परेशान करने आ जाते हैं भाई। हम लोग कैसे भी ना लैपिस लजुली ढूंढना है एटलीस्ट। देखो हमें स्वॉर्ड भी अपग्रेड एनचांट करनी है, हमें अपना आर्मर भी एनचांट करना है, हमें अपनी एक्स सब मतलब ओवरऑल सब कुछ एनचांट करना है हमने, तो हमने कैसे भी लैपिस ढूंढनी पड़ेगी आई गेस। मेरे को यहाँ से यस सर, मुझे यहाँ से नीचे को जाना चाहिए, ठीक है। पहले तो इनको बताता हूँ मैं, बढ़िया चलो ठीक है, यहाँ से सीधे नीचे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से नीचे डिग करते हैं और ट्राई करते हैं फटाफट से जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा लैपिस लेके आने की, ठीक है। और थोड़ा डायमंड मिल गए रास्ते में तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी मजाक से हट के, क्योंकि मेरे को एक्चुअल में अपनी पिकैक्स और एक्स भी बनानी थी यार, तो एक साथ लाइक एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे तो किसको भी बुरा लगता है राइट। कैसे भी हम लोगों का एटलीस्ट नहीं भी तो मानो एक लैपिस हर एक बार लगता है राइट, तो हम लोगों को कम से कम नहीं भी तो अगर हम लोगों को एक स्टैक लैपिस मिल गया, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है टू बी ऑनेस्ट, तो भाई अपना काम हो जाएगा लाइक। ओके हम लोग किसी केव में आ गए भाई, केव में आना भी सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसे में ना खुले में लैब। ओके ये मुझे क्यों लग रहा है हम जैक के घर के नीचे की साइड है, हाँ ये जैक का घर का एरिया है भाई, हम जैक के घर के करेक्ट नीचे पहुंच गए हैं। ये भाई यहाँ पर अच्छे से देख लेता हूँ लैपिस मिल जाए तो, पर आराम से ठीक है। अगर वो सेंसर ने पकड़ लिया ना और यहाँ पे वार्डन आ गया भाई, ना आर्मर है ना कुछ है अभी ढंग का, सीधे मरेंगे, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ सही में भाई, हम लोग डायरेक्ट डेड हैं अगर यहाँ पर वो आ गया तो। आराम से ब्रो, मेरे को तो नहीं लग रहा यहाँ पर ऐसे लैपिस मिलेगा हमें, पर पता क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ना नीचे की साइड को चलते हैं,
इधर को नहीं ना स्पॉनर, स्पॉनर अच्छी बात है कि यहाँ पे एक ही है, वो पीछे की साइड को है। चलो यहाँ से नीचे को चलते हैं, थोड़ा सा अपनी क्या कहते हैं उसे वो बच जाएगी, क्या कहते हैं उसे जगह बच जाएगी थोड़ी सी ना बनाने को। तो चलो फटाफट से नीचे को चलते हैं, लेट्स होप हम लोगों को जल्दी से जल्दी एटलीस्ट एक स्टैक लैपिस मिल जाए। एक स्टैक लैपिस जहाँ पे मिल गया ना फिर अपने को कुछ जरूरत भी नहीं पड़ेगी सही बताऊँ तो। यार पिकैक्स ही अपग्रेडेड होती ना भाई फॉर्चून 3 से, तो फिर देखो तुम यार कैसे मिल रहा होता हमें लैपिस मजाक से हट के। ओ हम लोग बेडरॉक तक आ गए, नाइस नाइस। चलो ऊपर को चलते थोड़ा सा, बस ये हाइट परफेक्ट है, बस बेडरॉक नीचे ही रहनी चाहिए हमारे हमेशा, हाइट परफेक्ट रहेगी। चलो मेरे को नहीं लगता कि हम लोगों को ज़्यादा डिफिकल्टी होनी चाहिए, ज़्यादा टाइम लगना चाहिए लाइक ओपी आर्मर अपना बेसिकली अपना पुराना फॉर्म वापस लाने में। लाइक जो ये फॉर्म है ना अभी ये कुछ क्रेजी कुछ खास नहीं है सही बताऊँ तो। अब भी अगर मेरे ऊपर 3-4 बंदे चिपट जाते हैं तो हो सकता है मैं हार जाऊँ सही में। अगर हैकर ने यहाँ पर मेरे को पकड़ लिया ना तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं हार सकता हूँ, पर वही वाली बात है एक बार अपने पास मैक्स आर्मर हो गया थोड़ा सा, क्योंकि सीधी सी बात है यार कि तुम अगर 4-5 बंदों के अगेंस्ट जा रहे हो तो एटलीस्ट तुम्हारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें तो होनी चाहिए जो तुम लाइक ऑफर कर सकते हो, जो तुम ले सकते हो राइट। चलो फटाफट से ट्राई करते हैं हम लोगों को यार लैपिस मिल जाए यहाँ पे हम लोगों को 1, 2, 3, 4 देखो होगा तो आसान मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोगों के पास देखो 5 चीज़ें तो रेडी है, आर्मर और अपनी स्वॉर्ड रेडी, हम लोगों को सिर्फ ट्राइडेंट और क्या कहते हैं अपने उसके लिए पीपी गॉड के लिए थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, वो बात अलग है बट ठीक है कोई बात नहीं वो भी हम लोग कर लेंगे अभी के लिए। तो चलो फटाफट, ओ भाई बगल में लावा भी है ऐसे, बगल में सामने आएगा, सामने सामने हर जगह से आवाज़ आ रही है मेरे को ऐसे लग रहा है सर के ऊपर लावा, सर के ऊपर बोला था मैंने भाई मजाक से हटके। मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है और मेरे को यहाँ पे डायमंड की 6 डायमंड की वेन 8 डायमंड की वेन व्हाट भाई हल्के बोलो भाई, लिली विल में जैक है वो भाई सुनते ही आ जाता है भाई दौड़ते हुए, मुझे नहीं पता कहाँ से आ जाता है उसको भाई पता चल जाए बस डायमंड। वो भाई 9 डायमंड की वेन ओबे मेरे पास अगर अभी फॉर्चून वाली पिकैक्स होती ना भाई ये 9 का 27 का बोता पता भी नहीं चलता भाई मजाक से हटके यार। चलो कोई बात नहीं फिर भी हम लोगों के पास एटलीस्ट अपनी पिकैक्स और अपनी एक्स बनाने के लिए तो मिल ही गया, पर हम लोगों को खोदते रहना पड़ेगा गाइस, खोदते रहना पड़ेगा कि असली चीज़ पहली बार ऐसा हो रहा है मजाक से हट के हम लोग लैपिस लेने के लिए आए हुए, तुम समझ रहे हो हम लोग जेन्युइनली लैपिस लेने के लिए आए हुए, ये पहली बार हो रहा है, वरना हम लोग ऐसे डायमंड लेने के लिए आते हो फिर लैपिस दिखता फिर चिढ़ते हैं कि क्या नकली डायमंड दे रहा है ऐसे करके। ओ भाई साहब हम लोग लेजिट अभी लैपिस ही लेने आए हुए हैं, फनी भाई भाई मैं मजाक नहीं करूँगा लैपिस मैं झूठ नहीं बोलूँगा लैपिस ढूंढने के लिए आ रखे हैं। और एक बार तुम हरकतें देख लो भाई, जिस समय लैपिस चाहिए उस समय इतना डायमंड मिल रहा है जितना मैं सोच भी, भाई साहब क्या वेन है ये, 1 मिनट 1, 2, 3, 4, 5, 6 रुको 9 थे ना हमारे पास डायमंड, एक ही मिलेगा हमें पर डायमंड भाई, ये क्या वेने मिल रही है मेरे को डायमंड की व्हाट। ओ भाई साहब ये तो कुछ भी है भाई, 9 हम लोग को 13 डायमंड मिल गए भाई, मुझे डायमंड नहीं चाहिए व्हाट डू हैक, जब चाहिए होते तब मिलते नहीं है जब नहीं चाहिए होते तब, मतलब ऐसा नहीं चाहिए भाई डायमंड किसको अच्छे नहीं लगते बट लैपिस लजुली चाहिए भाई, लैपिस दिलवाओ यार क्या चल रहा है यहाँ, लैपिस मिल जाए लैपिस प्लीज। ओके आसपास के, अरे यार कोई बात नहीं भाई अपने को डायमंड मिले हुए ना, अब डायमंड की पिकैक्स बनाएंगे वैसे भी आराम से टूटेगी देर में टूटेगी बढ़िया ठीक है, अब डायमंड की पिकैक्स से काम होगा भाई यहाँ पे हल्का फुल्का काम नहीं होगा। चलो अब तेज भी खोदेंगे लेट्स गो, प्लीज़ यार लैपिस मिल जाए भाई, प्लीज़ लैपिस मिल जाए भाई, भाई सीरियसली ये क्या चल रहा है भाई, मैं लैपिस ढूंढने आ रखा हूँ और मेरे को डायमंड पे डायमंड मिल रहे हैं भाई, क्या चल रहा है ये। अब ऐसा मत बोलना भाई मेरे को लेजिट मिले हैं भाई, बहुत बार लैपिस मिले, ऐसा थोड़ा ना होता है कि इस हाइट पे लैपिस मिलता ही नहीं है भाई, यहाँ क्या चल रहा है यार मेरे को कुछ नहीं पता सही बता रहा हूँ मैं, मेरे समझ में ही नहीं आ रही है भाई, पहली बार मैं लैपिस लेने आया हुआ हूँ और लैपिस की जगह मेरे को डायमंड पे डायमंड मिल रहे हैं भाई, 24 डायमंड्स मिल चुके हैं अभी तक मेरे को, लैपिस लेजुली ढूंढने आया था मैं भाई, मुझे नहीं पता आज क्या किस्मत चल रही है या क्या हो रहा है मैं सच्ची बता रहा हूँ रे, मैं अभी हाइट पे हूँ गाइस -1 पे ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ी रिसर्च करी और मेरे को पता लगा कि लैपिस लेजुली सबसे ज़्यादा -1 पे मिलता है, आइडियल -1 है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई मैं बहुत देर से खुदाई कर रहा हूँ
और बहुत देर से, मेरा मतलब है बहुत देर से, और लेजिट भाई नहीं मिल रहा यार, एक लैपिस नहीं मिला मेरे को अभी तक, एक लैपिस, एक भाई मेरे को 24 डायमंड मिल चुके हैं यार, 24 डायमंड और जीरो लैपिस, जीरो भाई यार मैं क्या बताऊं भाई, लेजिट आज तक का मेरे को लगा ही नहीं ऐसा होगा। एक मिनट, पर मैं लैपिस के लिए माइन क्यों कर रहा हूँ? अगर मैं जैक के जो नीचे वाला है जहाँ पर उसका CCTV लगा हुआ है, अगर वहाँ पे जाऊँ तो मे बी हम लोगों को वहाँ भी लैपिस मिल सकता है, क्योंकि उसके पास वहाँ तो बहुत सारे ओर पड़े हुए थे ना, बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली, थोड़े भी नहीं, बहुत ज़्यादा। तो क्या पता हम लोगों को वहाँ पर लैपिस मिल जाए, बट रुको एक लास्ट ट्राई मार लेते भाई, क्या पता ऐसे हाथ मारते मारते दिख गया। अभी हुई एक मिनट, व्हाट, सिल्वर फिश यार यहाँ, माइन शाफ्ट हो सकती है आसपास फिर, कि मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर आसपास कहीं पे वो है। चलो फटाफट से निकलते हैं यहाँ पर से और सीधे जैक के घर के लिए निकलते हैं हम। रेडस्टोन मिल जाएगा लेकिन भाई लैपिस नहीं मिलेगा, देख रहे हो तुम लोग, सोचो अगर इसको तोड़ते लैपिस साइड से मिल जाएगी, कई बार जुड़ा हुआ मिलता है, नहीं है पर। मैं मजाक नहीं करूँगा यार, आज तक मेरे को फील नहीं हुआ था कभी कि लैपिस इतनी ज़्यादा रेयर चीज़ है। चलो हम आगे जैक के घर के नीचे, भाई परफेक्ट जगह पर आए हैं हम लोग, मजाक से हट के बताए, रुक जाओ। जैक के घर के नीचे ओरी ओर पड़ी रहती है, फिर हम लोग जैक का अपना वाला चेस्ट भी, भाई लास्ट स्ट्रीम में उससे मैं कम से कम नहीं भी तो कितने 19 या कुछ डायमंड उसके घर से चुरा के इन लाया हूँ, बेसिकली मैं ज़रूरत थी यार, क्योंकि मैं उनको वापस बचाने जानता था, एक डायमंड का आर्मर बनाना था राइट, तो वो उसकी ज़रूरत पड़ गई मेरे को बस। तो वो तो एक तरह से समाज सेवा वाली चीज़ हो गई ना, कि भाई तुम्हें निकलना भी तो है ना, जेल में बंद थोड़ा रहेंगे भाई, अब लीडर बन गया जैक इतना तो समझता ही होगा, समझदार तो है ही भाई। फटाफट से देखते हैं भाई इन चेस्टों में वो बहुत, ये देखो भाई स्टैक का स्टैक लैपिस मिल गया, देख रहे हो तुम लोग, चलो दो स्टैक लैपिस निकालो और फटाफट से इधर से निकल लो भाई चुपचाप, ठीक है? पता नहीं चलना चाहिए वरना पुलिस वुलिस को बता देगा भाई वो कि मेरे घर से चोरी कर रहे हैं करके, समझ रहे हो? फटाफट से सटक लो चुपचाप इससे पहले कि कोई भी देखे। चलो 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 निकलो निकलो निकलो, दरवाजा, ये रही सीढ़ी, चलो बंद कर देते हैं, पता नहीं चलना चाहिए किसी को, कोई है तो नहीं ना। चलो भाई दो स्टैक, तुमने देखा उसके पास स्टैक के स्टैक लैपिस थे भाई, इसका मतलब अगर मैं लास्ट ट्रिम पे इसके घर में वहां नीचे घुस जाता तो मेरे को 2 मिनट में काम हो जाता, अभी तक का मेरे पास लिटरली मैक्स आर्मर पड़ा हुआ होता ऑलरेडी, पता है तुम लोगों को। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं अपने सीक्रेट बेस में और स्टार्ट करते हैं भाई अपना काम धंधा, समझ रहे हो? चलो हो जाए भाई, अब तो अपने पास लैपिस भी है, सब कुछ है। सबसे पहले तो ये जितना मेरे पास कूड़ा कबाड़ा आ गया ना जेब में, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा ये हटाओ वुड 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 ये सब चीज़ें, भाई कितना ही सामान है मेरे पास, इसको नहीं गंदा करना मैंने ये वाली चेस्ट को, मेरे पास यार और बहुत सारे चेस्ट होने चाहिए, एक स्टैक को तो यहीं छोड़ देते हैं। और अब अपने हेलमेट उतारो भाई, प्लीज़ यार प्लीज़ हम लोगों को कुछ अच्छे एन्चेंटमेंट्स दे देना, प्रोटेक्शन 3, अनब्रेकिंग 3, रेस्पिरेशन 3, ओके आई विल टेक दैट, ओके नाइस, फिर से प्रोटेक्शन 3 यार, क्या है यार प्रोटेक्शन 3, अनब्रेकिंग 3, कोई बात नहीं चलो रख लेंगे। फायर प्रोटेक्शन तो नहीं चाहिए भाई मेरे को अभी के लिए, फायर प्रोटेक्शन नहीं चाहिए भाई, क्या कर रहा है ये? नॉकबैक 2, नॉकबैक तो गलती से भी नहीं चाहिए मेरे को, मेरी स्वॉर्ड मेरे को, पिकैक्स में कुछ एफिशिएंसी 4, ओए हैं क्या रे, कहां से आ रहा तू ये? ओ फॉर्च्यून 3, एक तेरे को ना बेटा अलग से बताऊंगा मैं, तेरे CCTV चलते नहीं जिससे मैं काम होता है, और जिस समय पे नहीं होता उस टाइम पे तू दूसरे के घरों में स्पाई कर बस, है मुझे दरवाजे खुलने की आवाज आई, क्या कहाँ पर आया था मैं, तो कहीं आया ही नहीं, जा खट्टा हूँ थोड़ा, आर्मर बनाना था थोड़ा सा ना, तो मैं आता हूँ अभी, मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? वाओ प्रोटेक्शन 3, अनब्रेकिंग 3, नीचे वाले दरवाजे, थोड़ा सा लैपिस चाहिए था तो लैपिस लेने आया हुआ था मैं, वो लैपिस लिया तेरे घर से ना मैंने, थोड़ा 2 स्टैक बस, ज़्यादा नहीं लिया, 2 स्टैक लिया, ठीक है? चलो अनब्रेकिंग 3 लेने या चुराने, देख जैक सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, सुन आओ जरा, मतलब आओ जरा, मतलब घर चलो जरा, आ तो सकता नहीं है तू ऐसे में, ड्रामे तेरे दुनिया भर के होते भाई, डेप्थ स्ट्राइडर मिल जाता ना मज़े ही आ जाते,
पता नहीं यार क्या होता है भाई, ये बंदा लिटरली सर्वर पे नहीं होगा, इसको भाई पता नहीं कहाँ से कौन भनक चढ़ा देता है भाई। दरवाजे खुलने की आवाज़ आ गई मेरे को, दरवाजा खुलने की आवाज़ यही है ना। हाँ जाके इस वाले पानी में कूदना हमने, आ जा सू। आ जा इसको मरवा दो यहीं पे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आ जा ओ भाई हेलो, कहाँ से आ रहा है ये अपनी दुनिया से? अबे तू वो चीर देगा भाई ये बिल्डिंग, ये खराब कर देगा ब्लॉक तू। अपने अपने लेफ्ट में खोद ले, लेफ्ट में तेरे को पानी मिल जाएगा मेरा ऊपर आने का। हाँ आ जा चलो इसको बंद करो पहले, तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ जैकू कैसी? चल रहा हूँ भाई, चल रहा हूँ यार। क्या है भाई यहाँ मैं वॉर की प्रिपरेशन करने आया हूँ, ये देख लो इसको भाई। कौन हो गए बदतमीज जिसने ये तोड़ा फोड़ी करी यहाँ पे? मैं नहीं हूँ जैक, मैं क्यों हूँगा? मैं मेरे लाडले मेरे प्यारे छोटू भाई मेरा, आपने बताया था। हाँ वो मेरे 20 डायमंड्स दो पहले। अबे कौन से डायमंड्स दूँ तेरे को, तेरे कान के नीचे मारूंगा मैं। 20 डायमंड्स वाला आया बड़ा, फिर चोरी क्या सोचता हूँ क्या करना है। देख जैक ये जिसका आर्मर पहना है भैया। हाँ हाँ सुन मेरे पास एक आइडिया है सुन, तू मेरे को बता डायमंड ज़्यादा तगड़े होते हैं या फिर आर्मर डायमंड का, कौन सी चीज़ ज़्यादा तगड़ी होती है बता? आर्मर है ना, आर्मर ज़्यादा तगड़े होते हो। कितने डायमंड चाहिए? 20 है ना, 20 डायमंड्स तुझे चाहिए। तो अगर सोच मैं तुझे डायमंड देने की जगह डायमंड का आर्मर दे दूँ तो सोच कितना फायदा होगा तेरा, मजा आ जाएगा है ना। मैं तेरे को डायमंड का आर्मर बना के देता हूँ ठीक है। तेरे को 20 डायमंड चाहिए थे ना, तेरे को 20 डायमंड मिलेंगे पूरे ठीक है, ज़्यादा ही मिल जाएंगे यार है ना। ये तो बहुत ज़्यादा है, ये ले ले जैक ले ठीक है, आर्मर ले। तू यार मेरा छोटू भाई है, तेरे को मांगने की जरूरत है पता, तू तो बस हुक्म कर यार, तू बोल दो ऐसे बोला कर, दो ऐसे ठीक है। हाँ जैकू ये साफ कर दो। अबे तू भाई तेरा तेरे से नहीं होता क्या ये साफ? साफ कर दो। पेंटिंग लगा दो। अरे पेंटिंग नहीं है मेरे पास भाई, वो गिरा के चले गया था मैं, बना के लगा दो। अरे यहाँ भी लगाओ भाई यार। सही है उस्ताद, सही लग रही है। हाँ अरे 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 वहाँ सोफे में गड्ढा हो गया था अभी, ठीक है ना। अब मैं जाऊँ, मेरे को काम है बहुत ज़रूरी भाई, अब चोरी का क्या करूँ सोचता हूँ। ओ भाई ओए हेलो। हाँ देख सुन, कुछ भी हो जाए पुलिस वालों को मत बताना ठीक है ना। देख हम मैंने तेरे को बचाया नहीं बचाया वहाँ से, तेरे को जेल में सड़ना था पूरी ज़िंदगी अपने हैं। तेरा जितना लीडर का वो था ना टाइम था, तो पूरा का पूरा जेल में रह जाता। मेरा आर्मर एन्चांट कर दो, एन्चांट बाद बरा बाहर नहीं जाएगी तो ठीक है, फिर मैं एंड में करता हूँ ठीक है। अभी मेरे पास है नहीं ना एक्सपी नहीं है, मेरे को एक्सपी लेके आनी पड़ेगी ना तुम्हारे लिए जैकू, तुम्हारे लिए एक्सपी लेके मैं दूंगा, तेरे पास एक्सपी कहाँ से आएगी। प्लीम्स कर दो, अरे तुम्हारे पास तो एक्सपी थी, मैं दूंगा कहते तुम
बेटे इस संडे को 6 बजे हैकर से लड़ाई है, देख ले भाई। सोच ले जैक, वो बॉटल हीरो ब्राइन के चेस्ट में। अबे हीरो ब्राइन हैकर है वो, हीरो ब्राइन है वो, बोतल हीरो ब्राइन की चेस्ट में। एक ही बात है भैया, हाँ एक ही बात है इसके लिए। हैकर एक इंसान और एक हीरो ब्राइन अलग नहीं है इसके लिए, एक ही बात है वो, आपको पता लगेगा बाद में। मतलब जब हीरो ब्राइन मारेगा। अबे तू भाई, तुझे लगता है तूने कहानियां नहीं सुनी है मेरी। अभी हीरो ब्राइन मारेगा, अभी दिमाग मत खराब कर मेरा, मेरे को अपना आर्मर आर्मर एन्चांट करना है सारा, ठीक है? तो अभी बिल्कुल भी मेरा दिमाग ख़राब नहीं करना तुमने। एक तो इसमें बनाया कैसे है वापस, ये देख लो तुम लोग खुद ही। अब मेरे को, ओ भाई ओ ओ ओ, मेरे चेस्ट में कैसे हाथ मार रहा है तू ये? छोड़ो इसकी बातें, छोड़ो भाई। हम लोगों को सबसे पहले देखो क्रॉसबो बनाना था एक, मैं भूल गया हूँ क्रॉसबो कैसे बनता था। एक आयरन इंगेट, बीच में ट्रिप वायर हुक, दोनों साइड स्ट्रिंग, है ना? ट्रिप वायर हुक तो शायद से मैं बना सकता हूँ, बट मैं एक मिनट अपना सामान छोड़ा हूँ कहीं। ट्रिप वायर हुक हम लोगों को एक आयरन चाहिए होगा, एक स्टिक चाहिए होगी और एक स्प्रूस या फिर कुछ भी प्लैंक चाहिए होगा, राइट? ये कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक ट्रिप वायर हुक बना लेते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं होगा। ये और ये, ठीक है। ट्रिप वायर हुक हमारा रेडी है। अब क्रॉसबुक ले, और क्या क्या चाहिए होगा हम लोगों को? डंडियाँ चाहिए होंगी, ये और स्ट्रिंग चाहिए होगी ना? स्ट्रिंग नहीं है हमारे पास, दोनों पटाखे वाला एक, मुझे भी दोनों पटाखे वाला डंडा। बेटा हर किसी के बस की नहीं होती उसको चलाना, ठीक है ना? हर किसी के बस की नहीं होती है। इतना हलवा होता तो हर किसी के पास मिल जाता। दोना दोना हर चीज में, दोना दोना। हाँ चल सर, दिमाग खराब करना आता है। चलो अभी हम लोग देखते हैं हमारी स्वॉर्ड में क्या मिल रहा है। प्लीज अनब्रेकिंग के साथ कोई अच्छा मिल जाना। बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स 5, 2, 3 कुछ नहीं, 5 मिल रहा है सीधे, देख रहे हो? 5 सीधे सीधे कुछ नहीं, 2, 3 कोई मतलब नहीं है भाई को, 5 मिल रहा है बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड। मकड़ियां मारूं इससे मैं, बताओ? चलो हम लोगों ने अपना स्ट्रिंग शायद से इसमें डाल दिया था सारा का सारा। यार एक मिनट यार, मेरा स्ट्रिंग गया कहाँ? मेरे पास इतना सारा स्ट्रिंग पड़ा हुआ था यार, व्हाट द हेक, मेरा सारा का सारा स्ट्रिंग गायब है। ये लो, देना देना। मुझे कुछ दो, ये ले मेरी तरह से लैपिस रख ले दो, ठीक है? ला मेरा ही है, ले फिर लैप पेंटिंग रख ले अपने घर पे लगाना, ठीक है? ऐस कर, ला अब तो दे दे। हाँ वो भी तेरा ही था वैसे। चलो भाई अब अपना क्रॉसबो बनने के लिए रेडी है, एक क्रॉसबो बना लेते हैं अपने लिए, ठीक है? ये हमारा काम आएगा पीपी गॉड बनाने के। और अब हम लोगों को चाहिए बस एक ट्राइडेंट, ठीक है? ट्राइडेंट ही सबसे, ओ भाई साहब मल्टी शॉट, लेट्स गो लेट्स गो, बहुत बढ़िया मल्टी शॉट मिल गया। अब हमें बस क्विक चार्ज चाहिए, क्विक चार्ज और क्या कहते हैं अनब्रेकिंग, बस क्विक चार्ज। भैया टमाटर क्यों लगाए हैं? तेरे को नहीं पता टमाटर कितने महंगे हो रहे हैं? तो इसलिए मैंने घर में लगा रखे अपने। ओए 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 भाई, ओए ओए क्या कर रहे है? दूसरों के खेतों में ऐसे जाके तोड़ते हैं, हैं? सिखाऊं तेरे को अभी? लीडर का हिस्सा ले रहा हूं भाई, गौड़े लीडर नहीं है, ताना सा है भाई। अबे लीडर का हिस्सा क्या 100% होता है क्या भाई? सब तो ले रहा है तू, वापिस लगा भी तो दे एटलीस्ट। उगा दूंगा थोड़ा, हाँ थोड़ा नहीं पूरा लगा देना, मैं बता रहा हूँ तेरे को, अभी चप्पल ही मारूंगा फिर तेरे को मैं। चलो गाइस देखते हैं हमें जूते में क्या मिला है। प्लीज यार अनब्रेकिंग के साथ प्रोटेक्शन नाइस है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। हम लोगों को प्रोटेक्शन 4 नहीं मिला, बट एटलीस्ट प्रोटेक्शन 3 तो मिल गया ना सारे के सारे आर्मर में। अब इन लोगों ने बोल रखा है कि भाई चीटिंग नहीं करनी है, मतलब चीटिंग इन द सेंस कि भाई विलेजर से कुछ भी नहीं लेना है, वो फिर इलीगल हो जाता है। और फिर तुम्हें तो पता ही है हमारा लीडर कैसा है, है ना? हमारा लीडर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और एक नेक दिल और बहुत ही ज़्यादा कैसे बताऊँ वो है भैया जी। हाँ जैकू मेरा गला सूख रहा है, जूस पिला दीजिए। ओपी आर्मर बनाने आया था मैं यहाँ पे, ओपी आर्मर भाई मैं बता तो रहा हूँ तुम्हें, ओपी आर्मर बन रहे हैं ये, देख रहे हो तुम? यहाँ पे मैं ओपी आर्मर, ओपी वेपन ये सब बनाने आया हुआ था। भैया जी के लिए पहले जूस बना दीजिए, उनका गला सूख रहा है। बनाता हूँ जूस भैया जी, तुम्हारे लिए रुक जाओ।
ये लो भैया जी, आपका पोषण रेडी हो गया है, ये लीजिए। ठीक है, हाँ ऐश करिए, मजे करिए पूरे। चलो गाइज, अपने पास अब आर्मर के नाम पे सब कुछ हो चुका है। आर्मर मतलब मैक्स तो नहीं बोलूँगा इसको, बट ठीक है। ठीक है, अब जो विलेजर भाई उधर बन गए उनका तो थोड़ा बहुत यूज़ करना ही पड़ेगा ना। देखो बन गए तो बन गए यार, अब क्या कर सकते हैं, उनका ना छोड़ सकते हैं ना, तो उनका यूज़ कह रहे। बोतल ऐसे क्या फेंक रहा वहाँ पे, रख लेना भैया। क्यों रे, तेरे हाथ नहीं है यहाँ पर, ये बगल में चेस्टमैन डाल सकता तू है। आई एम क्यूटी, हाँ ये देख रहे हो, हाँ क्यूटी है तो इसका सामान उठाओ फेंका हुआ इसके। क्यूटी में डॉगी है, डॉगी एंड लीडर। एक ही बार खाएगा मेरे हाथ से, तुम बताना तुम्हें कब लगता है मेरे हाथ से कब खाएगा। चलो गाइस, हम लोगों को अब एक ट्राइडेंट लेके आना है। ठीक है, अपनी स्वॉर्ड में थोड़ी ढंग की एन्चांटमेंट्स करनी है। ये तो बहुत ही गंदी एन्चांटमेंट्स है, मजाक से हटके एक बार ट्राई करते हैं। अगर ये एन्चांटमेंट्स वापस मिल के हमारा 30 तो नहीं होगा ना यार, सैडली। ठीक है, हम लोगों को अपने क्रॉसबो में देखो अभी क्या क्या डालना है। क्विक चार्ज डालना है और क्या कहते हैं उसे, मेंडिंग डालनी है। ठीक है, क्विक चार्ज अनब्रेकिंग और क्विक चार्ज डालना है अब इसके अंदर कैसे भी। अगर बाय चांस ऐसा होता है कि हम लोगों को वहाँ पर अनब्रेकिंग, मेरे को नहीं लगता कि अनब्रेकिंग वाला हमने विलेजर कोई बनाया था ऐसा अलग से, तो देखते हैं। मेरे ख्याल से वहाँ पर हमारे पास क्विक चार्ज और मल्टी शॉट वाला होगा, तो हमारा क्रॉसबो तो बन जाएगा विलेज में जाके। पर हम लोगों को सबसे मेन चीज़ लेके आनी पड़ेगी जो कि होगा हमारा चोर कहीं। ओए जैक बाहर को आ, हाँ पानी में कूद। ओए 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 क्या कर रहा तू वहाँ? ये चोर को मैं अपने बेस में छोड़ दूंगा क्या? हैं क्या रे हैं? ऊपर का रास्ता बनाऊंगा आपके लिए, हाँ ठीक है, पर ऐसा मत बना देना है कि सबके मुंह का आगे से दिख रहा है। वैसे रास्ता तो मैंने बना ही दिया, तो टेंशन मत ले उन सब चीज़ों की, है ना। तू बस बाहर आ जा मेरे बेस से, एकदम मस्त बनाऊंगा। हाँ चल ठीक है, ठीक है, चलो भाई बढ़िया है। जैक तू रास्ता बना, ठीक है मैं आता हूँ भाई, यही टाइम है हमारे पास। अगर हम लोगों को शांति से जल्दी अपना सारे वेपन्स को मैक्स करना है, सब कुछ करना है ना, तो हम लोगों को यहाँ से फटाफट से निकलना पड़ेगा इससे पहले कि जैक भाई फिर से दिमाग ख़राब करने आ जाए। चलो 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 भाई, मेरे को ना यहाँ पर भी पानी छोड़ ही देना चाहिए मजाक से हट के, पता है यहाँ पर आके ना मेरे को बार बार ऐसे पानी डालना पड़ रहा है, इससे बढ़िया मैं यहाँ पे पानी छोड़ देता हूँ। भाई बारिश ही हो रही है बाहर, ले यार अभी मेरे पास ट्राइडेंट होता है रिप्लाइड वाला, क्या मजे आ रहे होते यार, कहीं भी जाओ उड़ते फांदते हुए। ले भाई पानी ढक दिया पूरा। चलो अभी निकलते हैं इधर से फटाफट से, और पहले तो इसके पॉन्ड से पानी निकाल लो। ठीक है, अब चलो गाइस, हम लोगों को जाना पड़ेगा फटाफट से उस विलेज की तरफ को। भाई अपना मल्टी शॉट तो बन चुका है देखो, लेकिन हमें मल्टी शॉट नहीं चाहिए, सिर्फ क्विक चार्ज भी चाहिए। क्विक चार्ज नहीं होगा तो फिर ये काम ही नहीं करेगा, और अनब्रेकिंग नहीं होगा तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी टूट जाएगा। तो हमें इनमें से कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, हम लोगों को पूरा सेफ और बढ़िया अपना पीपी गॉड चाहिए। तो चलो फटाफट से निकलते हैं और जाके अपना काम धंधा शुरू करते हैं। मेरे को स्वॉर्ड में बस शार्पनेस 5 मिल जाए और फायर एस्पेक्ट 2 मिल जाए, ये दो चीज़ें मिल गई ना भाई, बस सफल है भाई। उसके बाद देखो तुम, पहले तो चलते हैं विलेज की तरफ को। मेरे पास मजाक से हटकर कुछ नहीं है, ठीक है मैं लाया हूँ। हाँ चलो एटलीस्ट मैं ये तो लेके आ गया हूँ, अपने पास ये है ना स्प्रूस लॉग, ये काम आएगा हमारे बहुत ज़्यादा। पर अभी के लिए फटाफट चलते हैं विलेज की तरफ को और जाके देखते हैं हम लोगों के पास अगर वहाँ पर, अगर बाई चांस वहाँ पर मल्टी शॉट वाला विलेजर भी होगा ना, तो मैं ये एन्चांटमेंट हटा के इसमें ट्राई करूँगा अनब्रेकिंग 3 डालने की, क्योंकि अनब्रेकिंग 3 वाला कोई विलेजर नहीं है अपने पास। देयर वी गो गाइस, वो रहा देव का इलीगल फार्म। और अगर देव का इलीगल फार्म यहाँ है तो मतलब इस जगह पर करेक्ट एक विलेज होनी चाहिए जहाँ पर मेरे विलेजर्स होने चाहिए भाई, प्लीज़ यार वो विलेजर्स को कुछ ना हुआ हो प्लीज़ भाई। पता चला रेड वेड आई और विलेजर्स वहाँ सारे के सारे विलेजर्स को मार गए, क्यों सही कहा ना दोस्त भाई, मुझे इनको मारते हुए चलना पड़ेगा, आई एम रियली सॉरी, बट उसके पास उसका एक रीज़न है, वो मैं तुम्हें दूंगा अभी। ठीक है, जितना भी हो सके उतना एक्सपी मिल जाए, लेकिन हम लोग ट्रेड करेंगे अभी तो हम लोगों को उससे भी एक्सपी मिलेगा, बट फिर भी ना जितना ज़्यादा और बीच में एक्सपी मिल सकता है हम सारा का सारा एक्सपी उठाएंगे जितना हो सकता है भाई। बस चलो फटाफट से यार, सच्ची में एक ट्राइडेंट होता ना अभी मेरे पास रिप्टाइड वाला, क्या 2 सेकंड लगते हैं मेरे को यहाँ पहुँचने में, पता है तुम लोगों को जिस हिसाब की बारिश हो रही है ना, इतनी तगड़ी है, 2 सेकंड भाई। चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए तो फटाफट चलते हैं बाहर को। चलो 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 चलो, चलो भाई फिंगर्स क्रॉस्ड है, प्लीज़ मेरे विलेजर्स यहाँ पर हों भाई, कमोन ब्रो। ये क्या है? अच्छा ओके,
इनविजिबिलिटी। ओह यस, एक तो दिखा मेरे को, एक तो दिखा मेरे को। नाइस यार, इनके बेड निकाल लिए थे क्या मैंने? रुक जाओ यार, जैक भी सो जाना। जैक सो जाओ दोस्त, बस जैक से बोलता सो जाओ। ठीक है, बढ़िया। चलो चलो चलो, अब देखते हैं क्या ये क्विक चार्ज 2। ओके, क्विक चार्ज 2 है, 3 नहीं है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग काम चला लेंगे। और ये वाला तो अपना वो हो गया ना, क्या कहते हैं उसे, फ्लिंट एंड स्टील वाला। तो इसको हम लोग फटाफट से क्या करेंगे पता है? ठीक है, आई गेस बाकी सारा तो काम का ही सामान लग रहा है मेरे को अभी के लिए। अब हम लोग फटाफट से इसे स्प्रूस बनाते हैं, स्प्रूस से बनाते हैं स्टिक्स। चलो चलो, बस अब इसे ट्रेड करते हैं जितना ज़्यादा हो सकता है। कहाँ गया हो? हैं? अच्छा, चलो भाई प्लीज यार, रुकना मत, रुकना मत प्लीज। ओके, मेरे पास खत्म हो गई। नाइस नाइस नाइस, बस जितना ज्यादा इससे ट्रेड कर सकते हैं ना हम लोगों को, उतनी ज्यादा ट्रेड करनी पड़ेगी, क्योंकि एक क्विक चार्ज ही 30 की है, तुम समझ रहे हो? एक क्विक चार्ज, एक क्विक चार्ज करने वाला है, एक क्विक चार्ज भाई। कहाँ गया? अच्छा बिल्ली। अबे भाई मैं सोच रहा हूँ पीछे की तरफ को भागा वो। ले भाई, ये करने के लिए कर रहा था तू बदतमीजी मेरे से, तेरे से। ये कौन सा है? मल्टी शॉट क्विक चार्ज, तो वो कौन सा था भाई? बोल दे ये मल्टी शॉट है भाई, मेरे को इतना पता है। मेंडिंग तो है इधर पे, और ये मल्टी शॉट वाला है। नाइस, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे पता है? सबसे पहले बुक यार, इधर इतने सारे घोड़े, आई डोंट थिंक सो मेरे को बुक के लिए इससे 9 एमरल्ड खराब करने चाहिए। गाइस मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं फटाफट से ना इन लोगों से बुक बुक बना बनूंगा, और सारे के सारे ट्रेड लेके तुम लोगों से मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर, ठीक है? सॉरी घोड़ू, सॉरी यार मेरे दोस्त। चलो बढ़िया, अपने पास आ चुका। कितना लेदर है अपने पास? 4 लेदर है, 4 बुक्स। हम लोगों को कितनी चाहिए होंगी? 4 से थोड़ी सी ज़्यादा ही चाहिए होंगी वैसे, पर इस बार हम लोग मेंडिंग नहीं लगाएंगे अपने आर्मर में बिल्कुल, ठीक है? क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग मेंडिंग की वजह से ही पकड़े गए थे, क्योंकि मेंडिंग एक लौती ऐसी एन्चांटमेंट है जो तुम नॉर्मली ले ही नहीं सकते हो, समझ रहे हो? मेंडिंग एक लौती एन्चांटमेंट है जो तुम लोगों को ऐसे नहीं मिल सकती, बस की मिल गई वो तुम्हें विलेजर से ही मिलती है, ठीक है? तो इस बार ही थोड़ा सा सेफ खेलेंगे, ठीक है, और मेंडिंग नहीं लगाएंगे बस। बढ़िया, हम लोगों के पेपर्स यहाँ पे पड़े हुए थे लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे बुक बुक बनाने के लिए आया हुआ था, तो अपने पास पेपर यहाँ पर थे। अब हम लोगों को क्या करना है देखो, हम लोगों को सबसे पहले पता है क्या करते हैं, हम लोग मल्टी शॉट ले लेते हैं। मैं ये जो बो है अपना, जो क्रॉसबो है, क्रॉसबो में से मैं हटा दूंगा मल्टी शॉट, हमें होपफुली मिल जाए, ठीक है? इससे और ट्रेड ले लेते हैं जितने कर सकते हैं। और अब इससे, अच्छा इससे कहाँ ले रहा हूँ मैं, वो रहा, ठीक है, इससे एक मल्टी शॉट लेते हैं। मल्टी शॉट बहुत ज़्यादा सस्ती दे रहा है ये मेरे ख्याल से। यस सर, 12 में दे रहा है सिर्फ, ठीक है? तो इससे हम लोगों ने एक मल्टी शॉट ले लिया, ये हमारे बो के लिए, सॉरी क्रॉस बो के लिए हो चुका है। अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 क्विक चार्ज लेनी है, ताकि क्विक चार्ज 3। ओ वाह, दोनों ही पे आ गए यार, मेरे पास थोड़ा सा भी नहीं पड़ा हुआ है, मेरे को और वुड लेके आना पड़ेगा, क्योंकि पता है क्या, 31 मेरे पास पड़े हुए हैं, 2 क्विक चार्ज 60 एमरल्ड की आएगी भाई, 60 एमरल्ड। काश मैं इसको क्या कहते उसे, वो जोम्बी को खिला के इससे हाफ में ले पाता, एक एक डॉ इसमें दे रहे होते, एक एक एमरल्ड में, ठीक है? हम लोगों को कम से कम नहीं तो 30 और एमरल्ड करने पड़ेंगे, और उसके बाद ही हमें जाके बुक मिलेगी। तो मेरे को थोड़ा टाइम दो गाइज, मैं आता हूँ थोड़ी देर में करके। तो गाइज मैंने सारी की सारी बुकें ले ली, हम लोगों के पास 3 हो चुकी है, जिससे हमारा बो तो लाइक परफेक्ट बन जाएगा, क्रॉस बो तो हमारा परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोगों को मेंडिंग वेंडिंग की जरूरत पड़ेगी, वो तुम्हें पता है कि भाई क्या किस्मत है उसमें, तो हमारी छोड़ो, ठीक है? अब हम लोगों को कैसे भी एक ट्राइडेंट बनाना है, ठीक है? ट्राइडेंट बनाना है रिपटाइड 3 और अनब्रेकिंग 3, बस इन दोनों की जरूरत है हम लोगों को। ये दोनों मिल गए तो काफ़ी है, इम्पेलिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको पता नहीं है भाई, हमें सुनने में ऐसा लगता है ना कि इम्पेलिंग कितनी कूल है भाई, जितने भी वाटर वाले मॉब्स होते हैं सबको इतना डैमेज करती है, एक्स्ट्रा डैमेज करती है, जैसे बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स है वो स्पाइडर्स को करती है, ये वो ऐसे करके ना भाई, बहुत अजीब चीज है पता है तुम लोगों को ये। तुम लोग अगर इंपेलिंग 5 लगा रहे हो, तुम्हें लगेगा भाई तुम अब जो क्या कहते हैं ड्राउंड होते हैं, ड्राउंड को मारोगे तो तुम्हें इतना मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम्हें ड्राउंड को मार के भी कुछ नहीं मिलेगा, ये मजाक भी नहीं करो सच्ची में, तुम्हें ड्राउंड को मार के भी कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ड्राउंड एक तरह से अनडेड में आ जाते हैं, तो वो भाई तुम्हें उससे मारना पड़ेगा, क्या कहते हैं यार अनडेड को मारने के लिए कौन सी एन्चांटमेंट होती है, वो शार्पनेस होती है, फिर बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स होती है, और एक और होती है, कौन सी होती है यार वो, मेरे दिमाग से निकल गई है भाई वो एन्चांटमेंट, मैं मजाक भी नहीं करूँगा क्योंकि याद करने लायक एन्चांटमेंट भी नहीं है भाई, वो कभी लेते ही नहीं ना यार, मेरे दिमाग से निकल रही है यार, जो स्केलेटन ज़ॉम्बीज़ यार, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज़ मेरे को, ठीक है? मेरे दिमाग से निकल रही है वो एन्चांटमेंट, पर तुम लोग मेरे को ज़रूर से बताना कि वो कौन सी एन्चांटमेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। बट अभी के लिए तो हम लोग चलते हैं, हम लोग को ट्राइडेंट चाहिए होगा, इम्पेलिंग का तो काम ही नहीं है, वो बेसिकली ड्राउंड को मारेगी नहीं,
वो तुम्हारे स्क्विड्स को, डॉल्फिन्स को, इन सबको ज़्यादा डैमेज होगा उससे। हाँ, थोड़ा जो क्या कहते हैं उसे गार्डियंस है वो सब, उनको थोड़ा ज़्यादा डैमेज होगा, पर फ़ायदा क्या, राइट? इससे बढ़िया तो हम शार्पनेस 5 वाली स्वॉर्ड से मारना शुरू करें आगे जाके। कौन ट्राइडेंट फेंकता है, ट्राइडेंट इससे बढ़िया रिपटाइड लगाओ भाई। लेजिट यार, कुछ काम का नहीं है पता, मजाक से हट के। अभी हम लोगों को चलना है, हम लोगों ने एक जगह एरिया बनाया था यार बहुत बढ़िया, जिसमें हम लोगों ने आसमान ढक दिया जिससे अंधेरा होता था पूरे टाइम, पूरे टाइम ड्राउंड आते थे, राइट? वो यहीं कहीं पर है, यहीं कहीं पर है गारंटीड, क्योंकि मुझे याद है मैंने यहाँ पर से क्या कहते उसे थोड़ा बहुत सामान लिया था, फिर मैं जैक से बात करने गया था यार। यहीं कहीं पर है वो, मेरे को जहाँ तक है दिख जाना चाहिए, वो टावर जैसा बनाया था मैंने जैक से बात करने के लिए, वो दिख गया, मतलब हम सही जगह पर हैं। गाइस मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, बट वो जगह मेरे को मिल नहीं रही है। पर अगर ये ओशन, नाइस नाइस नाइस, यही जगह है, मतलब ये जगह है, वो नहीं है पर ये जगह काफ़ी सही है। यहाँ पे एक मिनट, ये कैसे टूटा हुआ है? व्हाट, ये पहली बार वो हुआ है क्या यहाँ पे, ये एरिया स्पॉन हुआ है जो जस्ट है क्या? यस लेट्स गो। मैंडिंग वाली फिशिंग रॉड, फिशिंग रॉड में मैंडिंग ला के करूँ क्या मैं, खींचूँ लोगों को अपने पास? ओए ए, 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 ये कहाँ से आ गए? आ जा बेटे ले। अबे ये तो आएंगे भी नहीं भाई, अंदर पानी में वो काम ही कहाँ कर रहा है यार। मेरे को ट्राइडेंट वाला देखना है कैसे भी, रुको घूमते रहेंगे देखते रहेंगे, कहीं ना कहीं पे तो मिलेगा ट्राइडेंट वाला। कम ऑन, ये बोट तोड़ देते हैं देख के थोड़ा। भाई साहब कितने बंदे हैं यहाँ पे, पर ट्राइडेंट वाला एक भी नहीं है यार। यार मेरे को मेरी स्वॉर्ड में लूटिंग मिली, लूटिंग मिली थी क्या? नहीं ना, बेन ऑफ आर्थोपोड, शार्पनेस और निशार्पनेस बोलो, फायर एस्पेक्ट और अनब्रेकिंग मिली थी ना। एक भी ट्राइडेंट वाला दिख गया ना भाई यार। अबे निकलो ना यहाँ से भाई यार, ये एक तो ये ब्रोकन जो भी मॉन्यूमेंट होते हैं उसके पास इतने आ जाते हैं क्या ये? ट्राइडेंट वाला आता तो बात बनती है। हाँ जितने मारो उतने ज़्यादा स्पॉन हो रहे हैं, बढ़िया है यार। मेरे को इसी के पास रहना चाहिए जो ब्रोकन मॉन्यूमेंट है ना, इसके आसपास बहुत आ रहे हैं। पर क्या रात होने से पहले एक भी ट्राइडेंट वाला आएगा, ये है क्वेश्चन मेरा। आगे देखो और भाई, चिंटू को अपने पिताजी को भेजो भाई, ट्राइडेंट वाले को भेजो ना, समझ के नहीं रहे हो, भेजो ना ट्राइडेंट वाले को यार। लेजिट क्या क्या जगह है ये, मेरे को लग रहा है यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई। इस जगह पे खाली नॉर्मली विलेजर बोल रहा हूँ इनको भी मैं, ज़ॉम्बीज़ भाई इस जगह पे खाली नॉर्मल। एक मिनट, मेरे को ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने मेरे को ट्राइडेंट मारा मजाक से हट के भाई। मेरे को ऐसी फील आई जैसे किसी ने ट्राइडेंट मारा, बट आवाज़ नहीं आई। मैंने कहा आवाज़ कैसे नहीं आई यार, कम ऑन। अरे भाई ट्राइडेंट और नॉटिलस शेल, भाई प्लीज नॉटिलस शेल मत गिराना, ट्राइडेंट गिराना प्लीज 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 भाई। दोनों वाला कैसा आ गया? अबे यार इधर आ, इधर आ। अबे नॉटिलस शेल गिराया यार, मैं सोच रहा हूँ भाई क्या किस्मत है मेरी, पहली बार में मेरे को ट्राइडेंट मिल गया, उन्होंने नॉटिलस शेल गिरा दिया अपने हाथ से यार। अगर यही बंदा मेरे ख्याल से बिना नॉटिलस के आता ना, तो फिर ज़्यादा चांसेस होते कि ये ट्राइडेंट गिराता, क्योंकि नॉटिलस शेल वाला नॉटिलस शेल गारंटीड गिराता है। अब एक 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 ज़ॉम्बी दो थोड़े ना गिराएगा चीज़ें, लगे रहो अब भाई साहब। भाई यहाँ पर अगर मैंने बाय चांस एक ये बनाया ना ट्राइडेंट फार्म, क्या काम करेगा ब्रो वो फार्म। भाई साहब कितने ही हैं यहाँ पे। अबे तू भाई तू बैठ ले इस पे, है तेरे लिए तो लगाई मैंने ये। यार अब स्पॉन होना भी कम शुरू हो गए हैं यार, मेरे को लग रहा है सुबह होने वाली है ना इसलिए। कम ऑन यार, कम ऑन, एटलीस्ट दो तीन तो ट्राइडेंट वाले आए ना यार, ताकि चांस हो सके अपना। ओए दिख गया गाइस, दिख गया एक दिखा, नाइस। थोड़े से सांस लेके आते हैं। अबे भाई यार चटपटिया मत तो, चलो 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 चलो, बड़ी मुश्किल से दिखा है भाई एक ट्राइडेंट वाला ज़ॉम्बी। कम ऑन आ जा प्लीज भाई प्लीज यार, तेरे से मेरे को बहुत उम्मीद है। मत करो मुझे मारो भाई। अबे स्क्विड मार दी उसने भाई। यार भाई सुबह होने वाली है, सूरज उग रहा है भाई, है पूरा। ओ भाई ओके भाई, सुबह हो चुकी है गाइस, सुबह हो चुकी है, लास्ट ये लास्ट ऑफ द मॉब्स है। बढ़िया भाई बढ़िया, अपने बंदों को मार मेरे लिए तू। यार काश मैं इसका ये ट्राइडेंट उठा पाता ऐसी। अरे तू भाई रुक जा जरा भाई। अच्छा हो प्रोडक्ट बना ली पहले मैंने, आर्मर बना लिया। अगर इससे पहले लड़ने जाता है तो अभी तक का छील देता मेरे को। हेलो ब्रदर,
छी यार, अब मेरे को रात तक का रुकना पड़ेगा गाइस। अभी जितने स्पॉन हो गए इनके पास तो ट्राइडेंट ही नहीं है ना यार। अब मेरे को रात तक का रुकना पड़ेगा एटलीस्ट यहाँ पे, ताकि ट्राइडेंट आ सके यार। भाई मर जा मर जा। एक मिनट, यस लेट्स गो बॉयज। अबे इसकी 27 HP लेकिन मेरे को इस, अबे हेलो, अरे यार रुक जा एक मिनट यार। वैसे इसकी 27 HP है राइट, अगर मेरे को किस्मत से एक और ट्राइडेंट, जो कि नहीं मिलेगा भाई, मैं कम से कम 15-20 तो मार चुका हूँ ये, तब जाके मेरे को एक मिला है, तो इतने ज़्यादा तो नहीं मिलेगा इतनी जल्दी, है ना। मिला क्या भाई, क्या क्या पता लक चल जाए, कभी किस्मत चल जाए, यू नेवर नो भाई। चलो चलो चलो, मेरे पास फूड भी नहीं है यार, इसमें कुछ ब्रेड पड़ी थी राइट, खाने का तो हो गया। चलो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, लेट्स गो गाइस। हम लोगों के हाथ में आ चुका है ट्राइडेंट विद कुछ भी नहीं, 27 HP। भाई मैं बोलता हूँ हम लोगों को अब करना पड़ेगा गाइस यार, मैं चाहता नहीं था, बट हम लोगों को यार मेंडिंग, ट्राइडेंट में तो मेंडिंग लगेगी भाई, वो वरना ऐसी टूट जाएगा, 27 बार उड़ेंगे 27 बार ही में टूट जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, क्या फ़ायदा बताओ। अब मेरे को कैसे भी भाई इस ट्राइडेंट में पहले मेंडिंग लगानी पड़ेगी। अच्छा हुआ हम लोग इस साइड से आए थे, अब जल्दी चलते हैं वापस से विलेज पे। भाई मेरे को सच्चे में लगा कि वो वाला एरिया आ गया, जो वो हमारे सर के ऊपर छत बनाई थी हमने, वो नहीं मिला मेरे को। वो मिल जाता ना फिर तो हम लोग दिन में भी काम कर सकते हैं, हम लोगों को इतना टाइम नहीं लगता है, यहाँ वेस्ट नहीं करना पड़ता 2-3 दिन का, आराम से हो जाता काम इतनी जल्दी में। बट ठीक है कोई बात नहीं भाई, वापस विलेज चलते हैं, मेंडिंग लेके आते हैं और इसमें मेंडिंग लगाते हैं एटली। भाई हम लोगों को आर्मर में भी लगानी चाहिए यार मेंडिंग, आर्मा ऑलरेडी 0.5 HP पे आ चुके हैं भाई, क्या बोलूं यार अभी। चलो गाइस हम लोग विलेज तक तो आ चुके हैं, अब हम लोगों को बस विलेज से एक मेंडिंग, में ज़्यादा नहीं उठाऊंगा, सिर्फ एक मेंडिंग हम लोगों को चाहिए कैसे भी, तो हम लोग एक मेंडिंग यहाँ से उठा लेंगे बस। आई होप सस्ती दे रहा हो, बहुत ज़्यादा महंगी वाली मेंडिंग ना दे। ये देखो भाई यहीं पर पड़ा हुआ है, प्लीज़ बोल दो कि क्या बंदा है भाई ये। हेलो मल्टी शॉट यार, मेंडिंग वाला मार तो नहीं दिया था ना कहीं, मैंने तो नहीं मारा था, देखो मुझे इतना याद है ठीक है। एक मल्टी शॉट दे रहा था, एक क्विक चार्ज 2 दे रहा था और एक मेंडिंग दे रहा था कोई, तो क्योंकि मेरे को अपने ट्राइडेंट में मेंडिंग लगानी ही थी ना यार, कोई चांस ही नहीं था, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। यहाँ पर भी नहीं है यार, कहीं तो होगा यार वो विलेजर, ऐसे थोड़ी ना होगा यार। ओ यस ये रहा क्या, क्विक चार्ज पावर मेंडिंग, यस ये रहा, 38 एमरल्ड्स ही होगा यार, 38 में बस 10 ही है गाइस। मेरे को थोड़ा सा और ग्राइंड करके लेके आना पड़ेगा वुड भाई, क्या दिक्कत है यार भाई, गॉड कह रहा हूँ सच्ची में यार, क्या किस्मत है मेरी, मेरे को समझ में नहीं आता यार। चलो फटाफट से लेके आता हूँ ढेर सारा वुड और उसके बाद इनसे ट्रेड करके 38 एमरल्ड करके तब जाके हम लोग मेंडिंग ले पाएंगे भाई इससे। मिलता हूँ तुम लोगों को थोड़ी देर में, मैंने चैलेंज भी तो ऐसा लिया भाई ये सीधे, मेरे को लगा कि भाई अब देखो सीधी सी बात है कि हम लोगों को अगर संडे तक का, वो भी संडे की शाम को 6 बजे तक का वॉर के लिए अगर रेडी रहना है, तो भाई फिर ज़रूरत तो पड़ेगी ना यार, फिर पूरे के पूरे आर्मर की हर एक छोटी से छोटी चीज़ की हम लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है, अब थोड़ा भी नहीं भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है एक्चुअली जी यार। आई जस्ट होप कि लिलीविल के बाकी मेंबर भी पूरी तैयारी कर ले, क्योंकि मुझे नहीं पता इस बार कितने हैकर्स होंगे, पिछली बार तो फिर भी 4 ही थे वो, पर इस बार ही वर्कर भी उनके साथ होगा, क्योंकि सीधी सी बात है यार, सोचो ना एक एक हैकर अगर अंदर है तो वो तो अपने कितने भी बंदों को ला सकता है ना, जब तक हम लोग उन्हें रोके ना। देखना पड़ेगा कैसे करेंगे क्या करेंगे, बट कुछ तो करना पड़ेगा इन लोगों का यार। गाइस फाइनली अपने पास शायद से हो जाएगा, एक बुक भी चाहिए होगी, मैंने अपनी सारा का सारा सामान इसमें डाल रखा राइट, एक ही बुक पड़ी है हमारे पास, लॉल भाई। देयर वी गो गाइस, एक मेंडिंग लेके आ चुके हैं हम लोग, मैं मजाक नहीं करूंगा भाई, मेरे को इतना बुरा लग रहा है ना, मैं इतनी चीज़ों पे काट रहा हूँ ना, ताकि हम लोग इस बार पकड़े ना जाएँ बेसिकली, मतलब समझ रहे हो ना फिर से, वरना और इस बार तो और ही गंदा लीडर है तुम्हें पता ही है भाई, वो तो क्या ही करेगा अगर उसको पता चला। फटाफट से चलते हैं यहाँ पर से ठीक है, हम लोगों को एक चीज़ करनी पड़ेगी बस, हाँ यहाँ से जाने से पहले ना यार, लेकिन फिर मैंने मेंडिंग पहले लगा दी और फिर ट्राइडेंट को फुल कर दिया तो फ़ायदा क्या हुआ है ना, हम लोगों को एक बार घर जाना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा था कि रस्ते में यार देव का थोड़ा सा वो यूज़ कर लेते हम लोग, फार्म यूज़ कर लेते बेसिकली, क्योंकि देखो मुझे पता है वो भी इलीगल फार्म है, बट अभी काम आ जाता ना यार, देखो काम आ रहा है, अब रास्ते में पड़ा है, उसने तोड़ा भी नहीं है, तो फिर कुछ तो होना ही चाहिए ना उसका। तो भाई मैंने सोचा कि वो इलीगल फार्म से हम लोग एटलीस्ट वो कर लेंगे, अपना मेंडिंग वाला फुल कर लेंगे, ताकि हमारा जो ट्राइडेंट है वो पूरा 100 हो जाए ठीक है।
पर अभी तो शायद से हम लोग नहीं कर सकते, शायद से क्या करना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि देखो अगर मैंने मेंडिंग लगा दी तो फिर वो हमारी क्या कहते हैं उसमें एन्चेंटमेंट टेबल में लगेगा ही नहीं, एन्चेंटमेंट टेबल में लगेगा तो हमें एन्चेंटमेंट्स नहीं मिलेंगी। अब हमें तो भाई सीधी सी बात है रिपटाइड और अनब्रेकिंग 3 किस्मत से ही मिलेगा भाई, मिलेगा तो अब एन्चेंटमेंट टेबल से। सो लेट्स गो, चलते हैं फटाफट से। चलो मैं तो सोच रहा हूँ पता है क्या, मेरे को एक बहुत तगड़ा आइडिया है जो कि गलत है पर अब आ गया है तो मेरे को लगता है हमें उसका यूज़ करना चाहिए भाई। मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग अपना एन्चेंटमेंट टेबल सब कुछ इसके नीचे ला के रख देते हैं और यहीं से सारा का सारा सामान जो है वो करके क्या कहते हैं उसे एन्चेंट करके लेवल अप करके एन्चेंट करके यही करते हैं यहाँ पे। अब मेरे को यही लग रहा है भाई, ये अच्छा हुआ देव ने तोड़ा नहीं भाई, ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। अभी तो मेरे को बस डर लग रहा है कि लिली विल के बाकी बंदे भी अपने आप को स्ट्रांग बनाएं भाई, क्योंकि इस संडे आने वाली वॉर बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है। हमारे पास ना ही देखो मैक्सड आउट आर्मर तो ये है नहीं, ठीक है, लाइक ओपी आर्मर है बट प्रोटेक्शन 4 जब तक नहीं है तब तक इसको मैक्सड आउट आर्मर नहीं बोल सकते, और प्रोटेक्शन 4 ऐसे तो नहीं मिलेगी हलवे में। जैसे हम लोग को 3 मिल गई तो मिल गई भाई वाली बात है, अब हमें पता है कि 4 के लिए अगर करेंगे तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना, तो वही चीज़ है। अब देखते हैं जो भी होगा जैसे भी होगा, अभी तो चलते हैं वापस और सारा का सारा सामान लेके आते हैं यहाँ पे और उसके बाद शुरू करते हैं यहीं पे इसके नीचे बैठ के एन्चेंटमेंट शुरू करेंगे। देखो तुम लोग लास्ट टाइम मैं भाई नेदर गया फिर क्वार्ट्स लेके आ रहे बार 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 बार, वो ना बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है यार, और इतना क्वार्ट्स बचे भी नहीं, मतलब नॉर्थ नेदर में तो क्वार्ट्स की कमी नहीं है वैसे, लेकिन फिर दूर दूर जाना पड़ रहा है ना हर बारी, वो दिक्कत है। अब यहाँ पर क्या है, ऊपर जाओ जल्दी से मारो वापस आओ, ऊपर जाओ जल्दी से मारो वापस आओ, यहाँ पे लेके आते यहाँ पे सेट करते हैं पूरा। देखो चलो गाइस हम लोग आ चुके हैं विलेज पे वापस, अब बस ये करते हैं बस। चलो भाई लिलीविल सिटी में सभी लोगों का स्वागत है दोबारा से, अब चलते हैं अपने सीक्रेट बेस में जल्दी से और जाके सारा सामान उठा के चलते हैं वापस, क्योंकि मेरे हिसाब से देखो हम लोगों को अब खाली एन्चांट करना बचता है, राइट, हम लोगों को अपना ट्राइडेंट एन्चांट करना है, ठीक है, हम लोगों को अपना ट्राइडेंट को एन्चांट करना है और हम लोगों को अपने क्रॉसबो को एन्चांट करना है, बाकी सब तो अपना कूलर स्वॉर्ड, यस ये 3 चीज़ें बचती हैं, ट्राइडेंट स्वॉर्ड और क्रॉसबो, बेसिकली हमारे वेपन्स तीनों के तीनों, ठीक है, तो हम लोग को उनको एन्चांट करना है बस, और कुछ नहीं है ज़्यादा। और ये भी हाँ ये भी ये मेरे को करना था एक्चुअली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, 3 लगेगा आगे पीछे करो तो 3 ही लगेगा ना, तो क्विक चार्ज 3 हो गया। अब देखते हैं मल्टी शॉट में क्विक चार्ज डालेंगे तो 4 लग रहा है, और क्विक चार्ज में मल्टी शॉट डालेंगे 3 लग रहा है, तो 3 के लिए ये कर लेते हैं। फिर मेंडिंग तो तुम्हें बताइए तो खैर ट्राइडेंट में जाने वाली तो इसका ज़रूरत नहीं है हमें। अब देखते हैं हम लोगों को अगर इसमें ये डालना होगा तो क्या होगा, मल्टी शॉट और क्विक चार्ज है ना, तो 8 लग रही है, ठीक है, मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ नहीं है। अब चलते हैं फटाफट से नीचे, पहले सबसे पहले मैं उसमें से मल्टी शॉट डाल रहा ट्राई करूँगा उसमें अनब्रेकिंग मिल। हेलो जैकुला कैसे हो दोस्त, अरे भाई साहब ये क्या बना दिया तूने, अबे भाई ये तो सबको पता चल जाएगा ना, और ये कितना स्लो है ऊपर से, ऐसे आएंगे क्या ऊपर में, भाई 1 इटर्निटी लेटर वाला गाना बजा दो यहाँ पे कोई यार। लैडर ही बना देता, वो लिफ्ट ही बना देता इससे बढ़िया भाई, है ना, ये देख रहे हो, हाँ ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना ये देखने में, हाँ पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे कोई सीक्रेट बेस होगा करके, जैक इतना स्मार्ट कैसे होगा तू, ये देखो हाँ ये बताओ, पूरे के पूरे ग्रास ब्लॉक्स के बीच में 2 कॉबलस्टोन, लोगों को पता थोड़ा चलता है ना जैक, हाँ मस्त है ना, बहुत मस्त है जैकू, बहुत मस्त है जैक, जाके अपने घर पे एक बार सो के आना तो थोड़ा, मैं आता हूँ ठीक है, मेरे को भी सोना है, मेहनत लगी बहुत, हाँ मेहनत तो है भाई, अबे हमारे लीडर साहब हैं यार, चाहे चोरी चपाटी जो भी करते हो लेकिन सबके लिए अपने प्रजा के लिए काम तो करते हैं हमारे लीडर साहब। आज किसके घर में सोऊं, ये देख लो इसको भाई, आज किसके घर में सोऊं, ये देख लो बेशरम बदतमीज कहेगा, पियर्सिंग 4, पियर्सिंग नहीं चाहिए, पियर्सिंग से मल्टी शॉट नहीं लगेगी। स्वॉर्ड में देखते हैं नॉकबैक 2 नहीं चाहिए यार, नॉकबैक क्यों देने पे तुला हुआ है ये मेरे को समझ में नहीं आ रही है। अनब्रेकिंग 3 लेट्स होप, ठीक है अनब्रेकिंग के साथ ही हमें वो दे रहा हो जो मैं सोच रहा हूँ, कुछ भी नहीं दे रहा है भाई अनब्रेकिंग के साथ, सोम जाओ बस सोम रोम रोम, इसको हटाओ ठीक है, अभी मेरे को यहाँ से अपना सारा का सारा ये बंदोबस्त निकालना है ठीक है,
और हम लोग कैसे सोएंगे मैं बताता हूँ। ये मेरे पीछे लग जाएगा भाई वहाँ तक का, और इसको पता चल जाएगा मैं इलीगल फार्म, और ऊपर से कामुरा कहने को ये बंदा अभी का लीडर भी है, ठीक है। तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो मैं यहाँ से फटाफट से सारा का सारा सामान उठाता हूँ, ठीक है, इसको भी लो, और ये तो ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, ये सारा का सारा सामान हम लोग अपना ले जा रहे हैं। क्राफ्टिंग टेबल मेरे पास वुड नहीं है, मेरे को वुड लेके आनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, वुड तो खैर इसमें पड़ी होगी, अपने पास एक्स्ट्रा काम पड़ी है, ठीक है। ये करते हैं, जैक सो रहा हूँ, हाँ बस वो थोड़ी नींद नहीं आ रही है ना आज, ज़्यादा ही वो एनिमे देख लिया ज़्यादा ही, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा है, तो नींद नहीं आ रही है थोड़ी, बस सो ही रहा हूँ, ठीक है। मैं आता, नहीं 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 अब आ रही है नींद, अब आने लग गई, देखो बोला था ना मैं आ जाएगी नींद, आने लग गई। लोरी सुनाने, नहीं नहीं सो गया मैं बस सो ही गया मैं, तो बिल्कुल टेंशन मत ले जैकू, तेरे को यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस मैं सो ही गया ऑलमोस्ट। डोंट वेट करवाओ लीडर को, अरे बस हो गया बस सो गया जैक सो गया बस मैं, ये वन इटर्निटी की स्टेयर चढ़ने के बाद सोऊंगा ना, और कब सोऊंगा। क्या बना दिया है, क्या है ये, कब तक चढ़ूं मैं इसमें, एक वाटर वाली लिफ्ट लगा देता कितनी आसान जिंदगी हो जाती। नहीं ये क्या बनाया है भाई ने, जल्दी सो जाओ, सो रहा हूँ जयकुला, बस सो रहा हूँ। एक साल तक का इसको चढ़ते रहो पहले, और फिर ऊपर से कान के आगे गुनगुन 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 करने वाला बंदा अलग है, हैं? किसके बारे में बोल रहे हो, किसी के बारे में नहीं यार, लीडर के बारे में ऐसे बोलता है कोई, मैं तो वो रॉनी के बारे में बोल रहा था। हाँ मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सोने जाओ जैकू, जाओ जैकू सोने जाओ। क्या कर रहा है भाई तू, ओए ओए चलो जैकुला मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मेरे को जरा एक बिजनेस ट्रिप पे जाना था, अरे मेरी वाटर बकेट गए, मेरे को एक बिजनेस ट्रिप पे जाना था, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, तेरे लिए ढेर सारी चिज्जियाँ लाऊंगा वहाँ से, मेरा अमर कब तक बनेगा, आई एम बिजी, बनवा दूंगा मालिक, करवा दूंगा तुम्हारा काम, तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। यार फूड लेके आना पड़ेगा यार, मैं 10 मिनट में आता हूँ, ओम की बाय बाय। तो गाइज मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से एफके खड़ा हुआ हूँ, जस्ट इनको मारने के लिए, मैं थोड़ी भूख भी लगी थी, खाना भी खा के आया मैं, उई बस बढ़िया, आते जाओ क्या हमें 30 लेवल मिल पाएगा प्लीज़, थैंक यू। ओ भाई साहब कितने हैं, बस बढ़िया 30 लेवल तो एटलीस्ट हो गया ना अपना, चलो चलते नीचे को। अब हम लोगों को क्या करना है मैं बता दूँ तुम लोगों को, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक वो बना लेते हैं, तो इसने भाई लिटरली बंदे ने यार इलीगल फार्म ही बनाया, थोड़ा अच्छे से बना लेता बंदे ने, थोड़ी सी भी साफ सफाई कुछ आसपास थोड़ा अच्छा बना दूँ, नहीं भाई जैसा मिला वैसे मैं ही कर दूँगा वो वाले ही, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग 1 2 3 ठीक है, 1 2 3 नहीं यार, ठीक है, ये हो गया अपना पूरा का पूरा, और उसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 1 2 1 2 1 और फिर ये लेते हैं क्राफ्टिंग टेबल, देयर वी गो, इसको यहाँ पे लगाते हैं, और उसके बाद दोबारा से अपना बुकशेल बना के यहाँ पे लगा लेते हैं, सेम हम लोग अपना सेटअप जैसा वहाँ पर था वैसे ही यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। चेस्ट इसको हटा देते हैं अभी के लिए, इसको यहाँ पे रख देते हैं, और सेंटर पे हमारा आ जाएगा क्या, हमारा एन्चांटमेंट का टेबल, ये लो, ठीक है। आई होप ये हमें लेवल 30 का एन्चांट दे रहा होगा, दे रहा है, ठीक है। तो हमें क्विक चार्ज नहीं चाहिए भाई, फालतू की एन्चांटमेंट सबसे पहले देने वाला किसका वो होगा, मेरे स्माइट था वो, यस, जो सबको मार देता जितने भी अंडेड होते हैं, स्माइट दे रहा है भाई, बताओ बत्तमीजी की भी हद होती है। लॉयल्टी 3 देख रहे हो, लॉयल्टी 3, हाँ उड़ूंगा कैसे, हैं उड़ूंगा कैसे मैं इसके साथ, लॉयल्टी 3 भाई, कसम से यार मेरे को जो
मेरे अंदर जो गुस्सा है ना यार, वो मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ कितना है मेरे अंदर इन सब चीज़ों को लेकर। चलो इस शवल को हम लोग क्या करते हैं अभी के लिए लैपिस लगा के इसमें लेवल वन का एन्चांट कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हमारे सारे एन्चांट वापस आ जाएंगे फायर एस्पेक्ट टू। अब दीना बात करी ना, इसमें क्या है इम्पेलिंग फोर, ये तो नहीं चाहिए मेरे को। और इसमें क्या मिल रहा है क्विक चार्ज वन। क्या है भाई, कोई परेशानी तो नहीं है मेरे से तेरे को? चलो ऊपर चलते हैं वापस से, एक लेवल लेके आते हैं और उसके बाद नीचे आके वापस से ऐसी करेंगे, ठीक है। तो अब मेरे को थोड़ा टाइम दो, मुझे लेजिट यही चीज़ करनी है। अब ऊपर जाना है लेवल लेके आने, नीचे आना है लेवल लगाना है, बस यही करते रहना है अब हमने। यही है साइकिल, यही साइकिल चलती रहेगी अब, ठीक है। जब तक हम लोगों को अच्छे एन्चांट्स नहीं मिल जाते हमारी स्वॉर्ड, हमारे क्या कहते हैं उसे ट्राइडेंट और सारी चीज़ों में, ठीक है। अरे यार ये किसने कितना, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर जब खड़े रहेंगे तभी वो एफ के काउंट हो रहा है ना। मुझे ऐसे ही लग रहा है जब हम यहाँ खड़े रहेंगे तभी वो एफ के काउंट होगा। रुको जरा देखते हैं अगर मॉब आते भी हैं नहीं आते, क्योंकि लास्ट टाइम तो मैं यहीं पे खड़ा था एफ के। बाय गॉड कह रहा हूँ, इलीगल फार्म के नाम पे भी इतना गंदा फार्म बनाया ना इस बंदे ने भाई। चलो अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो भी मॉब जाएंगे क्या? क्योंकि अगर यहाँ पर खड़े होने से भी आ रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। हम लोग अपना पूरा सेटअप यहीं पे बना लेते हैं, क्योंकि फिर अगर नीचे खड़े होके एफके होके आ ही नहीं रहे तो फिर फ़ायदा नहीं है ना यार खड़े होके नीचे। हम लोग जितने में अपना काम कर रहे होते हैं और मॉब्स आते रहे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें हर बार तीन तीन लेवल ही तो चाहिए होंगे। हर बार एन्चांट करेंगे तीन लेवल चाहिए होंगे, ख़त्म कहानी। मैं बढ़िया 30 लेवल हो गया दोबारा से, बस इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देता हूँ मैं। चलो ठीक है, किसी को क्या ही पता चलेगा कि कौन करके गया है। चलो नीचे चलते हैं। अब हम लोगों को दोबारा से जितना सामान था वो सारा का सारा सामान को लेके आना पड़ेगा दोबारा से। तो चलो चलते हैं, मेरे को 2 मिनट दो, ये पूरा सेटअप ऊपर बनाता हूँ, सारे के सारे आर्मर और सब में मैक्स एन्चांटमेंट्स लेके तुम लोगों से मिलता हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट, मात्र 2 मिनट दोस्तों। यस, क्योंकि मैं जादूगर हूँ ना, इसलिए मेरा नाम है जादूगर गोगा। जोक था वो, नहीं है मेरा नाम जादूगर होगा। चलो भाई अब हम लोग अपना पूरा सेटअप दोबारा से बना देंगे यहाँ पर। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 दुनिया में आना है फ्री, दुनिया से जाना है फ्री, 1 2 3 1 2 3। लगता है इन अभी जो लोग वो करते हैं ऑपरेशन करते हैं उनका प्राइस नहीं देखे तभी बोले दुनिया में आना फ्री है बल। चलो ये करते हैं, इम्पेलिंग फोर तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि स्वॉर्ड में एस्पेक्ट हम लोग ले सकते हैं। लेट्स होप इसमें कुछ अच्छा, चलो सही है अभी के लिए ही सही, थोड़ी देर के लिए ये रख लेते हैं, क्या पता कुछ अच्छा अब मिले हमें ट्राइडेंट में। सोचो ट्राइडेंट में एकदम से मिले लॉयल्टी 3, क्विक चार्ज 2। क्या है भाई, क्या कुछ दुश्मनी है क्या है, किसी टाइम की दुश्मनी निकाल ले हो क्या, क्या है मतलब। अब सोचो स्वॉर्ड में मिले नॉकबैक 2, चलो यार नॉकबैक 2 के साथ ही कुछ अच्छा दे देना भाई, मैं तो भाई इतना ही बोल रहा हूँ। अब देखो सही हो गया ना, अब जितने में हम लोग एन्चांट्स करने जाएंगे वो सब चीज़ें करने जाएंगे तो उतने में हमारे यहाँ पे मॉब्स आए रहेंगे, हम जाएंगे मॉब्स मारेंगे उसके बाद दोबारा से एन्चांट करेंगे और मॉब्स आते रहेंगे, तो ये एएफके के लिए बढ़िया जगह हो गई ना। अब देख रहे हो कितना कूल लग रहा है भाई, ऐसे ही होना भी चाहिए। अब जरा इलीगल काम कर रहे हो तो ढंग से करो ना। अब मैं तो भाई कोई लीडर रहा नहीं यहाँ का, तो मुझे तो कोई डर है नहीं भाई। हाँ करा मैंने इलीगल काम, और बताओ कैसे हो भाई साहब, सब लोग सही। अब हम वो थोड़ा रहे लीडर वीडर नहीं रहे भाई, अब हमें कोई डर नहीं, अब तो हमें डॉन यहाँ के भाई, तुम समझ रहे हो। लिलीविल का डॉन कौन? हाँ फ्लिमटुम भाई, क्या बोलते हैं फ्लिमटुम भाई। चलो बड़ा बड़ से अपना लेवल लेवल अप करते हैं और उसके बाद मैक्स एन्चांट्स करते हैं, इसमें होपफुली मिल जाए कुछ और क्या चाहिए भाई। तुमने आज तक का हग्गू किस्मत देखी है, ये देखो मैंने बोला था क्रॉसबो में सिर्फ अनब्रेकिंग चाहिए, उसने अनब्रेकिंग के साथ पियर्सिंग 4 दे दी, तुम समझ रहे हो 4 लेवल। अब लेकिन पियर्सिंग की दिक्कत क्या है, वो मल्टी शॉट देगी ही नहीं, क्योंकि पियर्सिंग फिर चीरने वाली होती है भाई। क्या ही किस्मत चल रही है भाई, गॉड ऐसा चिड़ मच रही ना, मैं तुम लोगों को समझा भी नहीं सकता भाई। लेज कुछ तो कोई तो चीज़ अच्छे एन्चांटमेंट दे दे, ये ट्राइडेंट में लॉयल्टी के अलावा कुछ मिल नहीं रहा है, ये स्वॉर्ड में नॉकबैक के साथ पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी एन्चांटमेंट दे दे रहे हैं भाई। शार्पनेस दे दो, एक शार्पनेस चाहिए, नहीं मानते नहीं है भाई, क्या करूं मैं, कहां जाऊं मैं। तो गाइस फाइनली हम लोगों के तीनों वेपन्स मैक्स आउट हो चुके हैं, मैंने अपने ट्राइडेंट में लाइक वो भी डाल दी, मेंडिंग भी डाल दी है, तो अभी मैक्स लाइक
एचपी भी सही हो गई इसकी। अब हम लोगों को क्या करना है, देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। हम लोगों की स्वर्ड में आ चुकी है शार्पनेस 4, स्वीपिंग एज 3, अनब्रेकिंग 3। अब बस इसमें एक नॉकबैक 2 आ गया है जो मेरे को जेनरली नहीं चाहिए था यार। अगर इसकी जगह फायर एस्पेक्ट 2 आ जाता ना तो बेस्ट हो जाती है स्वर्ड, बट कोई बात नहीं, अब मिल गया तो मिल गया वाली चीज़ है। अब हम लोगों को देखो पिकैक्स तो हमारी छोड़ो, ये तो इसका मतलब नहीं है। हम लोगों ने इसमें भी लगा दिया है, हमें अनब्रेकिंग 3 मिल चुकी है, क्विक चार्ज 3 मिल चुका है, मल्टी शॉट मिल चुका है। देखो क्विक चार्ज 3 से जल्दी चार्ज होगा, ठीक है, और मल्टी शॉट से 3 छूटेंगे एक साथ, तो हम लोगों को दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं। देख रहे हो, ये देख रहे हो भाई, 3-3 4-4 मॉब्स एक साथ मार सकता हूँ मैं चाहूँ तो। बस एक ही दिक्कत है यार, इसमें मेंडिंग भी होती है ना थोड़ी सी, तो मज़ा ही आ जाता, बट ठीक है मेरे हिसाब से अभी के लिए तो हमारे पास हो ही गया है काफ़ी कुछ, ठीक है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि एकदम बढ़िया हो गया, बेस्ट हो गया है, बट ठीक है। अब हमें बस एक छोटी सी चीज़ करनी है, हम लोग अपने क्रॉसबो को सबसे पहले नाम देना है, ठीक है, पीपी गॉड इसका नाम रखेंगे हम लोग, ठीक है। 8-8 लेवल लगेंगे गधों की तरह, जिससे मैं लगा रहा था उस टाइम पे भूख लगाते समय नहीं सोचा, ठीक है। और क्या कहते हैं इसका तो अभी खैर कुछ नाम नहीं रखेंगे हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग रख देंगे उड़ती चप्पल, ठीक है, ये हमारी उड़ती चप्पल है, ये जैक के बजाएंगे हम, टेंशन मत लो, ठीक है। ये सारे की सारी चीज़ें हो चुकी है, देखो हमारी पिकैक्स, हमारी स्वर्ड बन चुकी है तगड़ी, शार्पनेस 5 नहीं है कोई बात नहीं, चल रहा है, ठीक है। हम लोगों को ट्राइडेंट मिल चुका है अपना, मैक्साइड हमारा पीपी गॉड बन चुका है, हमें थोड़ा बहुत एमएमए बनाना है, वो तो मैं खैर रूटर या फिर यूट्यूब की स्ट्रीम पे, मेंबर्स ओनली स्ट्रीम पे, दोनों में से एक में बना दूंगा, मोस्टली रूटर पे स्ट्रीम करेंगे तब बना दूंगा। और हम लोगों को अभी अपने आर्मर को नेदरराइट का भी करना है, तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली लाइक सैटरडे को संडे की स्ट्रीम से पहले, जो शाम को 6 बजे यूट्यूब पे होगी गेमर फ्लीट पे, उस स्ट्रीम से पहले मैं अपने आर्मर को पूरा नेदरराइट बना दूंगा रूटर पे। मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे को रूटर पे स्ट्रीम करके हम सारे के सारे अपने आर्मर को नेदरराइट का आर्मर बना लेंगे, ताकि हम लोग लाइक फाइट में रेडी रहें, ठीक है। तो ये अपने पास सारा का सारा सामान हो चुका है मेरे हिसाब से तो रेडी भाई, और ये क्या सही लग रहा है, समझ रहे हो तुम लोग भाई। मैं तो कहता हूँ यार मेंडिंग भी सारे के सारे आर्मर उन्होंने भी चिपका ही देता हूँ, बट देखते हैं वो तो, खैर चलो देखते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा सा देखेंगे, हम लोगों को हो सकता है रूल्स में थोड़ा चेंज लाना पड़े यार, मेरा मन है कि हम लोग विलेजर्स से ट्रेड करें वो ऑन होना चाहिए, पर हम लोग उनको बांध नहीं सकते, कहीं पे बंद नहीं कर सकते। हम लोग विलेजर्स की एक प्रॉपर विलेज बना सकते हैं जहाँ पर हम उनसे ट्रेड कर सकते हैं, पर हम उनको ऐसे बांधेंगे नहीं, वो चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तुम लोग भी अपना राय रखना, कॉमेंट सेक्शन में बताना क्या हमें ऐसा करना चाहिए। एक मिनट जरा, इन लोगों ने ना इतना हल्ला मचा रखा ना, पीछे से कुछ समझा रहा, समझाने नहीं दे रहे, हबड़े हबड़े है वो लगे पड़े, परेशान कर दिया है आदमी को भाई। तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, बाकी जिसने वीडियो लाइक नहीं करी लाइक वाला बटन दबा देना, और जो भी नया है प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मेरे दोस्तों। मिलते हैं तुम लोगों से सैटरडे को रूटर और संडे को भाई गेमर फ्लीट वाले चैनल पे, खतरनाक वॉर वाली स्ट्रीम पे। वंस एंड फॉर ऑल ये सारा पूरा ना हैकर्स का पूरा सिस्टम जो है ना, ये पूरा का पूरा सिस्टम इनका ख़त्म ही करते हैं मैं तो बोलता हूँ। इन लोगों ने हमें बहुत परेशान कर दिया ना, अब बहुत हो गया भाई, अब इनका इनका जितना ड्रामा है ना वो पूरा का पूरा हम लोग ख़त्म ही करेंगे भाई। चलो चलते हैं नीचे की साइड को, उसको मैंने अभी वहीं पे ऐसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि डरते थोड़ी ना है भाई किसी से, डरते हैं क्या हम, हैं डरते हैं क्या लिलीविल में, अब लीडर वीडर थोड़ी ना रहे भाई कि हमें सब कुछ अच्छा ही काम करना है, सब कुछ अच्छे से करना है, ये वो लोग सुनाएंगे। कापा भैया कैसे हो, देर तो है नहीं सर्वर पे, किससे बोल रहे है? हैं आओ भैया का बेस दिखा दो। ओए 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 रुक जा ओए, जैक बदतमीजी मत कर भाई, जल्दी चलो घर चलो। ये बेवकूफ कहीं का, ये मेरा सीक्रेट बेस दिखाएगा सबको बारी बारी भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार, यहाँ से है रास्ता। अरे भाई यार सबको मेरा सीक्रेट बेस दिखाना बंद कर भाई यार। एक इसको बता दिया गलती से, भाई भैया का बेस दिखाता हूँ, ऐसे दिखा रहा है जैसे इसका बेस होगा वो। अबे जैक तू मर जाएगा, हाँ मेरे हाथ से ये पिट गया भाई, रुक जा। देखो कापा भैया यहाँ से पानी सजाना है, हैं पानी से जाना है, ओए तुझे बता दूंगा ओए। ये मर गया भाई, ये मेरे को लग रहा है ये देव को मेरा बेस दिखा रहा है भाई, यार क्या बंदा है भाई यार, हर जगह पे लीव लीव भाई। ओए ओए है देव का है, और वह कापा तो है नहीं है क्या, रे किसको दिखा रहे तू मेरा बेस, मेरा आर्मर, इंचेंट ला दे आर्मर दे अपना भाई, इसका नौकर हूँ मैं ना, एन्चेंट करूँगा इसके लिए आर्मर उर्मर सब कुछ, अब जल्दी से कर दो नहीं तो सच में दिखा दूंगा भाई। तू मेरा आर्मर ले ले, ये ले भाई, तू दिखा मत बस किसी को भेज भाई, तू मेरा आर्मर ले ले। अरे तो भाई वाला आर्मर तो दे मुझे वापस, मैं भी तो अपने लिए बनाऊँ आर्मर दोबारा।
इतनी मेहनत करी इसके लिए आर्मर बनाने के लिए, लास्ट में ये प्रोटेक्शन वाला आर्मर इसको देने के लिए मेहनत करी मैंने इतनी। गाइज आर्मर बन गया है, आई एम स्ट्रॉन्गेस्ट। आजा फिर आजा जैक, आजा चल आजा जैक आजा आजा बनाता हूँ तेरे को स्ट्रॉन्गेस्ट। रुक जाना रुक तो सही थोड़ा चटक के भाग गया। पर मेरे को यही चीज़ पसंद नहीं है नॉकबैक में, पता तुम्हें। देखो तुमने जैक को मैंने कितना दूर उड़ा दिया, तो मैं दूसरा हिट लेने के लिए जा ही नहीं सकता ना। नॉकबैक टू की मेरे को यही बात अच्छी लगती है, मैं तो दोबारा करूँगा भाई अपनी स्वॉर्ड को। लाइक बाकी सारी एन्चेंटमेंट कूल है, बट एक ये नॉकबैक नहीं।